हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू देखो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सर्कुलर मोशन हमारा जो टॉपिक है ये है बच्चे सर्कुलर मोशन ये क्लास नाइन्थ के लिए है ठीक है तो सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन बच्चे होता क्या है सबसे पहले हमें इसको अंडरस्टैंड करना है तो सर्कुलर मोशन क्या होता है मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ इसको हम क्या लिख सकते हैं मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ अब सर्कुलर मोशन होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्लीट सर्कल हो इवन ए पार्ट ऑफ ए सर्कल भी क्या होता है हमारे पास सर्कुलर मोशन तो यहां हम लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ सर्कल बी सर्कुलर मोशन होता है वो किस तरह से यहाँ पे आप लोग देखें ध्यान से मान लीजिए अगर हमारे पास ये इस तरह से कर्ड पाथ है और इस कर्ड पाथ पे एक पार्टिकल किसी वेलोसिटी से चल रहा है मान लीजिए ये पार्टिकल है और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो मान लो अगर यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स लेता हूं ये दो पॉइंट्स लिए मैंने तो ये आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं मान लीजिए ये पी और ये पॉइंट क्यू है तो P और ये Q पॉइंट जो है हमारे पास ये भी एक कर्व्ड है क्या है एक सर्कल का पार्ट है वो कैसे अगर आप P से एक पेंडिकुलर ड्रा करते हो और Q से अगर एक पोपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ये इसकी रेडियस आ जाएगी और यहां देखें इस रेडियस से आप लोग ये सर्कल बना सकते हैं तो सर्कुलर मोशन होने के लिए जरूरी नहीं है कि कंप्लीट सर्कल हो ए पार्ट ऑफ ए सर्कल भी सर्कुलर मोशन होता है अब सर्कुलर मोशन एक्चुअल में है क्या बच्चों सर्कुलर मोशन एक सेट ऑफ़ रूल्स है ये आपके पास सेट ऑफ रूल्स है ये हम उस के curved, हम के पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं जो पार्टिकल क्या है जो अप्लाई करते हैं किसके ऊपर अप्लाई करते हैं पार्टिकल के ऊपर कौन से पार्टिकल के ऊपर वो पार्टिकल जो मूव कर रहा है किसी कर्व्ड पाथ पे ऑफ एनी रेडियस सेट ऑफ रूल्स अप्लाई ऑन ए पार्टिकल यहां पे मैं हम लिख देते हैं सेट ऑफ रूल्स अप्लाई ऑन ए पार्टिकल मूव्स आने ऑफ एनी रेडियस तो ये कुछ रूल्स हैं हमें जो अप्लाई करने हैं उस पार्टिकल के ऊपर जो पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन में या किसी पाथ पे चल रहा है ठीक है तो यहां पे आप लोगों ने एक चीज का ध्यान देना है क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में पार्टिकल तभी चल पाएगा जब अपनी वो डायरेक्शन चेंज करेगा क्योंकि अगर सीधी लाइन में चल रहा है तो उसको बैंड होना है तो बैंड होने के लिए फोर्स चाहिए ही चाहिए विदाउट फोर्स आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है सर्कुलर मोशन में फोर्स होगी ही होगी तो विदाउट फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है तो सर्कुलर मोशन इज एन एक्सलेटेड मोशन सर्कुलर मोशन बोले तो इट इज एन एक्सरलेटेड मोशन ये क्या होता है हमारे पास एक्सलेटेड मोशन होता है क्योंकि एक्सलेशन से क्या मतलब है एक्सेलेशन से मतलब है स्टेट ऑफ मोशन चेंज होना स्टेट ऑफ मोशन का चेंज होना स्टेट ऑफ मोशन चेंज होना स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है बोले तो विलॉसिटी का चेंज होना का चेंज होना क्योंकि और हम बोलते हैं कि चेंज इन तो सर्कुलर मोशन हमारे पास क्या होता है मोशन अब यहां पे आप लोगों ने ध्यान देना है कि जो हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं वो उसको हमने दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया तो यहां मैं अगर लिख देता हूं इन जनरल सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड इन टू कैटेगरीज दो कैटेगरीज में हम लोग सर्कुलर मोशन को डिफाइन करते हैं अब वो दो कैटेगरीज कौन सी है नंबर वन हमारे पास आ जाता है बच्चों यूनिफार्म सर्कुलर मोशन इसको हम यू बोलते हैं अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में फर्क है इस चीज का आपने ध्यान देना है क्योंकि हम जब ये यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में हम बोलते हैं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है उसकी एक्सेलेशन जीरो रहती है मगर यहां बात कर रहा हूं मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो सर्कल में चलना है पार्टिकल को तो पार्टिकल तभी सर्कल में चल पाएगा बच्चे जब उस पे तो कोई फोर्स लगेगी क्योंकि वो डायरेक्शन तभी चेंज कर पाएगा इस चीज को जैसे आगे आगे लेक्चर बढ़ता जाएगा आप लोग बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे तो ध्यान से सुनने आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों वो सर्कुलर मोशन होता है जहां पे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है बच्चे कांस्टेंट मतलब यहां पे विलॉसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी मगर मैग्नीच्यूड कांस्टेंट और वेलोसिटी का मैग्नीच्यूड को हम स्पीड भी बोलते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी स्पीड क्या रहती है कांस्टेंट अब स्पीड देखो कांस्टेंट इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं हम लोग मान लीजिए हमारे पास पार्टिकल ये कोई पार्टिकल है और उसका मास एम है ये कोई पार्टिकल है और उसका मास एम है और मान लो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है किसी तो अगर कोई पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो आप इसकी विलोसिटी को इंक्रीज कर दोगे आपने इसकी विलॉसिटी को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया अगर यही पार्टिकल जिसका मास एम है जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से चल रहा है अगर आप फोर्स लगाते हो तो आपने इसकी वेलोसिटी कम कर दी यहां पे आपने इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं लाई है आपने यहां पे इसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा किया है तो एक चीज का ध्यान देना है कि वो फोर्स जो वेलोसिटी के अलांग लगती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने में अब देखें बच्चे इसके आगे तो सर्कुलर मोशन में हमने देखा वो मोशन जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन अब देखें ध्यान से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन सर्कुलर मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो हुआ जहां मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा ये कॉन्स्टेंट नहीं होगा मान लीजिए ये कोई कर्व्ड पाथ है और इस कर्व्ड पाथ में ये कोई पार्टिकल है तो इस टाइम पे इसकी मान लो ये इस तरह से घूम रहा है ऐसे चल रहा है तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन विदाउट फोर्स आप चेंज नहीं कर सकते तो मान लो अब इसकी यहाँ पे डायरेक्शन यहां पे, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो है इसका मैग्नीच्यूड इसका जो मैग्नीचूड लोगे वो क्या है कांस्टेंट नहीं है मान लो यहाँ पे आपके पास थर्टी मीटर पर सेकंड आ रही है और मान लो यहाँ आपके पास आ रही है फोर्टी मीटर पर सेकंड मान लो 50 मीटर पर सेकंड आ रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है एक्सेलेशन को लेके तो उसको मैं देखो यहाँ पे एनालाइज करवाऊंगा आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा तो आप लोगों ने ध्यान देना है और अच्छे से सुनना है अब हम हेडिंग डालेंगे यहां पे मुझे आपको एक्सेलेशन को एनालाइज कराना है तो हम यहां लिख सकते हैं एनालिसिस ऑफ एक्सेलेशन ऑफ ए पार्टिकल उस पार्टिकल की जो पार्टिकल क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे जो आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ध्यान से देखना है बच्चों आपने तो अभी तक हम देखते हैं एक्सेलेरेशन तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन है क्या तो एक्सेलेरेशन में हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन का मतलब है वेलोसिटी वेक्टर में चेंज लाना और वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आप दो तरीके से ला सकते हो एक तो या तो इसकी डायरेक्शन में चेंज ला सकते हो और दूसरी या तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज ला सकते हो तो दो चीजों में चेंज आना या किसी एक चीज में चेंज आना का चेंज हो जाता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो पूरा वेक्टर चेंज हो जाता है उसके मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तब भी चेंज हो जाएगा अब देखो इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे ध्यान से देखना है आपने मान लीजिए मैं कार्टेजन प्लेन लेता हूं अगर यहां पे ये एक्स एक्सिस आ गया बच्चों और ये वाई एक्सिस आ गया मान लेते हैं कि ये कोई एक कर्व्ड पाथ है और इस कर्व्ड पाथ पे पार्टिकल चल रहा है इस तरह से ये एरो बना देते हैं इस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है अब देखना है ध्यान से आपने मान लो बच्चों पार्टिकल की अभी जो पोजीशन है यहां पे है पार्टिकल ये पार्टिकल इस पोजीशन पे है इस पोजीशन पे है तो अगर इस पोजीशन पे मुझे इसकी वेक्टर ड्रा करना है तो मैं इंस्टेंटेनियसियर है, तो है कोई पार्टिकल है मैं ये मान रहा हूं ध्यान से है आपने मैं मान रहा हूं कि ये पार्टिकल चलते चलते फास्ट हो रहा है क्या हो रहा है ये फास्ट हो रहा है ये पार्टिकल अब फास्ट कैसे हो पाएगा जब इसकी विलासिटी इंक्रीज होगी अब विलासिटी इंक्रीज करने के लिए बोले तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने के लिए आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी और वो फोर्स कौन सी होगी टेंजेंशियल फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगेगी उसको मैं एफ टी लिख देता हूं तभी इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर पाएगा तभी इसकी विलासिटी को इंक्रीज कर पाएगा अब आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाई इसको और इसकी विलासिटी इंक्रीज हो रही है अगर इंक्रीज हो रही तो पार्टिकल को यहां निकल जाना चाहिए मगर पार्टिकल तो देखो नीचे गिर रहा है पार्टिकल का एक्चुअल पाथ तो ये है तो इसका मतलब ये है इसको यहां से कोई खींच रहा है मतलब एक नॉर्मल फोर्स भी लग रही है यहाँ पे इस पे एक नॉर्मल भी लग रहा है जो सेंटर की तरफ लग रहा है तो कहने का मतलब इस पार्टिकल को अगर यहाँ पे मैं एनालाइज करवाऊ आपको तो देखें इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी लग रही है और यहां पे जो फोर्सेस ली आप लोगों ने एक फोर्स हम इसके ली ये वाली इसको हमने लिखा ये एफ टी टेंजेंशियल फोर्स और एक फोर्स इसको लग रही है इस तरफ जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है इसको हमने लिख दिया एफ नॉर्मल फोर्स बोले तो, तो पपेंडिकुलर फोर्स तो बच्चे एक वेक्टर आ गया आपके पास इस तरफ से एफ टी और एक वेक्टर आया इस तरफ से तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो तो दो वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं ये आपको पता है पैरोग्राम ड्रा करके और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो देखो इस तरफ आएगी इन दोनों को अगर वेक्टर को हम देखेंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स बन रही है वो हमारे पास इस तरफ से बन रही है ये रिजल्टेंट फोर्स आएगी मतलब रिजल्टेंट एक्सेलेशन इस तरफ से आएगी ठीक है अब देखना है यहां पर आपने पार्टिकल जब चलते चलते फास्ट हो रहा है तो एक टेंजेंशियल फोर्स ही पार्टिकल को फास्ट कर पाएगी क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में चल रहा है और इस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाते हो तो आप लोग क्या कर पा रहे हो उसके विलासिटी को इंक्रीज कर पा रहे हो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में किसी विलासिटी वी से चल रहा है और आप इसको नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो ये सीधा नहीं चलेगा बैंड हो जाएगा तो जो नॉर्मल फोर्स होती है बच्चों वो डायरेक्शन को चेंज करती है और जो टेंजेंशियल फोर्स होती है वो क्या करती है टेंजेंशियल फोर्स क्या करती है मैग्नीट्यूड चेंज करती है तो यहां हमारे पास ये जो पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे चल रहा है जिसका मास हम लोग अगर M ले, ले लेते हैं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इसके पास एक तो होगी टेंजेंशियल एक्सरलेशन जिसको हम लिखेंगे ए टी ए टी क्या होगी हमारे पास टेंजेंशियल एक्सरलेशन टेंजेंशियल एक्सेलेशन को हम ए टी से डिनोट करेंगे और एक्सेलेशन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी फोर्स अपॉन मास कौन सी फोर्स कौन सी फोर्स लेंगे हम यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एफ टी अपन एम क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगी तो ए टेंजेंशियल जो इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है ठीक है इस ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होती है मैग्नीट्यूड चेंज करने में और दूसरी जो हमारे पास ए नॉर्मल फोर्स है सॉरी ए जो नॉर्मल एक्सलेशन है इसको हम क्या लिखेंगे यहां पर तो नॉर्मल एक्सेलेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय मास तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि आपके पास दो एक्सेलेशंस हैं। यहां पे ध्यान देना है आपने है कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन में चलता है तो उसके पास बच्चों दो एक्सेलेशन रहती हैं। एक तो रहती है नॉर्मल एक्सेलेशन और दूसरी रहती है टेंजेंशियल एक्सेलेशन तो आपने यहां पे देखा कि जब एक पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चल रहा है तो उसके पास दो तरह की एक्सेलेशन हैं। एक टेंजेंशियल है और एक नॉर्मल है तो यहां पे जो ये टेंजेंशियल एक्सलेशन होती है हमारे पास ए टी जिसको हम बोलते हैं ए टी टेंजेंशियल एक्सलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड चेंज इन मैग्नीट्यूड और जो हमारे पास नॉर्मल एक्सेलेशन होती है is responsible for change in direction इस चीज का ध्यान देना है आप लोगों ने तो अगर एक पार्टिकल यहां पे है तो इसको एक तो लगेगी एक्सेलेशन इस तरफ और एक लगेगी नॉर्मल एक्सेलेशन तो एक्सेलेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास तो रिजल्टेंट हम इसका कैसे ड्रा कर सकते हैं तो ये रिजल्टेंट बोले तो ये नेट एक्सिलेशन है तो नेट देखो, दो वैक्टर को किस तरह से एड करते हैं हम लोग यह हमें ऑलरेडी आता है हम लिखते हैं आर इक्वल टू अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है ठीक है तो वो होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्स बी स्वाइस ए बी कॉस तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है टेंजेंशियल और नॉर्मल के बीच में और cos 90 जीरो हो जाता तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे जो मेरे पास ए नेट की वैल्यू आएगी ए नेट होगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ एन का प्लस का स्क्वायर तो ये आपके पास आ गई कि जब एक पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चलता है तो उसके पास दो एक्सेलेशन रहती हैं एक तो रहती है नॉर्मल एक्सेलेशन और दूसरी रहती है टेंजेंशियल एक्सेलेशन देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं आगे हम लोग देखें शाबाश। तो थोड़ा सा मैं टेंजेंशियल एक्सेलेशन और नॉर्मल एक्सेलेशन को अलग से एक्सप्लेन करूंगा टेंजेंशियल एक्सेलेशन अब मुझे एक चीज बताएं आप लोग टेंजेंशियल एक्सेलेशन फॉर सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन में हमने टेंजेंशियल एक्सेलेशन देखनी है तो ध्यान देना आप लोगों ने यहां पे तो अगर मैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मान लो एक पार्टिकल है यहां पे और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से इस सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल घूम रहा है मान लो अभी उसकी पोजीशन यहां पे है और ये ऐसे घूम रहा है ठीक है क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी अब आप लिखते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप लिखते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है कांस्टेंट आप लिखते हो विस्टिक का मैग्नीट्यूड क्या रहता है Constance. अब मुझे एक चीज बताएं इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है यहां पे ए टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी होगी हो जीरो हो ए टेंजेंशियल कितनी होगी जीरो क्यों जीरो होगी क्योंकि ए टेंजेंशियल ही तो मैग्नीच्यूड चेंज करती है ये मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं हो रहा है तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी होगी जीरो तो ये चीज ध्यान देनी है आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में

तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलेशन की वैल्यू जीरो होती होती है और होती है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे इसके अलग भी फॉर्मुले रहेंगे अलग से आपने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी देखना है इसका आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं यहां पे जैसे ए टेंजेंशियल किस केस में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डी वी अपॉन dt क्योंकि टाइम के साथ ये चीज चेंज हो रही है अब टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इसका फार्मूला ये भी है और भी फार्मूला हमारे पास वो एंगुलर एक्सेलेशन के साथ रिलेशन रहता है उसका ए -टी लिखते हैं, आर अल्फा, मगर वो अभी स्कोप ऑफ योर सिलेबस है तो उसको अभी हम टच नहीं करेंगे देखें ध्यान से ए टेंजेंशियल के बाद हम एनालाइज करेंगे नॉर्मल एक्सलेशन को नॉर्मल एक्सलेशन तो नॉर्मल एक्सेलेशन का क्या मतलब है बच्चे देखो नॉर्मल एक्सेलेशन मैंने आपको क्या बताया है? जो नॉर्मल एक्सेलेशन रहती है कहां पे फॉर सर्कुलर मोशन फॉर सर्कुलर मोशन तो जो नॉर्मल एक्सेलेशन रहती है सर्कुलर मोशन में वो रिस्पॉन्सिबल होती है चेंज इन डायरेक्शन उसको मैग्नीट्यूड के साथ कुछ भी नहीं लेना देना उसको चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करनी है उसको डायरेक्शन देखें ध्यान से मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है इस तरह से और यहां पे ये एक पार्टिकल है मान लो अभी इस पोजीशन पे है और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो अगर इस पोजीशन पे तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है अगर इस पोजीशन पे तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है अगर इस पोजीशन पे तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है अब देखें ध्यान से ये इसका सेंटर है और मान लो ये इस तरह से घूम रहा है अब अगर पहली वाली सिचुएशन हम देखें ये देखेंेशन तो तो इसको 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 इस तो एक लग रही होगी अब ये इधर जा रहा था क्या ये इधर जा रहा है नहीं ये इधर हो गया तो कोई इसको इस तरफ खींच रहा होगा अब ये इधर जा रहा था क्या ये यहां जा रहा है बिल्कुल नहीं ये इधर की तरफ बैंड हो रहा है कोई इसको इस तरफ खींच रहा है ये इधर जा रहा है क्या इधर निकल रहा है नहीं ये इस तरफ आ रहा है तो इसको एक इस तरफ एक कोई कोई खींच रहा होगा वो जो खींचने वाली चीज है वो है हमारे पास ए, -normal, ए -normal acceleration. ये ठीक है नॉर्मल एक्सलेशन तो नॉर्मल एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ये डायरेक्शन को चेंज करती है तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि नॉर्मल एक्सेलेशन ऑफ ए पार्टिकल जो हमारे पास एक रिलेशन भी रहता है आप लोगों को पता भी होगा ए एन की वैल्यू हम लोग लिखते हैं R. यहां पे R क्या लिया है? हमने R इसकी रेडियस ली है है इस सर्कुलर पाथ की की तो ये ए एन वैल्यू होती है हमारे पास ये वो एक्सेलेशन होती है जिसको मैग्नीट्यूड से कुछ नहीं लेना देना इसको जो लेना देना है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के साथ लेना देना है ठीक है देखे ध्यान से इस एक्सेलेशन को हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलेशन भी बोलते हैं मगर सेंटीपिटल एक्सेलेशन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को सेंटीपिटल फोर्स के बारे में बताता हूं सेंटीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन तो जो एक पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन में चलना है तो उसको नॉर्मल एक्सेलेशन तो चाहिए ना यार सिंपल है क्योंकि तो उसको डायरेक्शन चेंज करनी हो डायरेक्शन कौन चेंज करता है नॉर्मल एक्सिलेशन है ना तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है सर्कुलर मोशन के लिए उसको हम बोलते हैं सेंटिबिटल फोर्स तो यहां पे हम लोग ये लिख भी सकते हैं द फोर्स द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल रिएक्शन सॉरी नॉर्मल एक्सेलेशन इन ए सर्कुलर मोशन इस्ड उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोलते हैं सेंटिपिटल फोर्स और सेंटिपिटल फोर्स का आप लोग फॉर्मूला भी पढ़ते हैं एफ इजिकल टू एम वी स्केयर अपान आर तो यहां अगर आप लोग ध्यान दें ये जो वी स्केयर अपान आर है ये किसके बराबर है हमारे पास नॉर्मल एक्सिलेशन के बराबर दिख रहा है ना हम लोगों को तो नॉर्मल एक्सेलेशन भी बोलते हैं इसको और सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन भी बोलते हैं और अगर आप लोग यहां ध्यान दें तो ये जो हमने डायग्राम बनाई है यहां पे तो इसकी जो डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन जो एक्सेलेशन की डायरेक्शन है तो आप लोग मुझे बताएं किस तरफ होगी इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ एक्ट करती है इसकी जो डायरेक्शन होती है इसकी जो डायरेक्शन होती है तो लास्ट में हम लोग यहां नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन अगर किसी को करना है तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज नेसेसरी विदाउट सेंट्रीबिटल फोर्स आप सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल किसी भी पार्टिकल सेंट्रिपिटल फोर्स इज नेसेसरी आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि सर्कुलर मोशन में दो तरह की एक्सलेशन होती हैं एक हमारे पास होती है टेंजेंशियल एक्सलेशन जो मैग्नीट्यूड को चेंज करती है और एक होती है नॉर्मल एक्सेलेशन जो किसको चेंज करती है डायरेक्शन को चेंज करती है तो यहां पे आप लोगों ने कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग लिखते हैं velocity क्या होती है कॉन्स्टेंट यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं अपना टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी ओके बेटा टेक केयर